सर, आप DCLR के पद पर रहे, अगर निबंधक के पद पर रहे, सदर SDO के पद पर रहे, इतने लंबे अंतराल पर विभिन्न पदों पर आप बने रहे, आप फील्ड में जो आपने महसूस किया कि विभिन्न तरह के विवाद होते हैं भूमि के चलते, तो आप इस पर क्या करना चाहेंगे, क्या आपका सुझाव है? देखिए, मैं 13 जून 2005 को नौकरी ज्वाइन किया हूँ। मैं गया में प्रोबेशनर था, मैं BDO CO भी रहा हूँ, मैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रहा हूँ, मैं 3 साल DCLR रहा हूँ और 3 साल उसी के साथ लगातार अवर निबंधक भी रहा हूँ महाराजगंज में। उसके बाद मैं यहाँ शेखपुरा में सदर SDO के पद पर हूँ। इतने समय तक काम करने के बाद भूमि विवाद से संबंधित मामले जब मेरे पास DCLR के जब मैं DCLR था और भूमि विवाद से संबंधित मामले जब मेरे पास आते थे, तो मैं यही समझता था कि ये मैं इस पर मंथन करता था, चिंतन करता था। एक ये नहीं था कि मैं सिर्फ आदेश करता था, मैं ये भी चिंतन और मंथन करता था कि आखिर भूमि विवाद ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में इतना क्यों है और इतने भूमि विवाद आखिर क्यों आ रहे हैं मेरे पास। तो जाहिर है उनका चिंतन मनन और इतने समय तक मेरा जो सरकारी अनुभव है काम करने का या जानने का या और एक्ट का जो भी रेवेन्यू संबंधित एक्ट हैं उसके बारे में जब मैंने गहन चिंतन मनन किया तो मुझे पता चला कि कुछ ऐसी चीज़ हैं जो इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अथवा सरकार को यह सुझाव दिए जा सकते हैं कि जो कि कोई बहुत बड़ा सुझाव नहीं है, छोटे छोटे सुझाव भी हैं जिनको जो जिनसे जो है पब्लिक को बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे मैं कुछ सुझाव बता सकता हूँ आपको भी, जो आप भी ये सुनकर पता कर सकते हैं कि इससे कितनी पब्लिक को राहत मिल सकती है। जैसे मेरा पहला सुझाव यह है कि ग्रामीण क्षेत्र खासकर शहरी क्षेत्रों में जो जहाँ की ज़मीन आवासीय या व्यावसायिक रूप में निबंधित होती है, तो आवासीय व्यावसायिक क्षेत्रों की ज़मीन जो की जो कीमत है आजकल बहुत बढ़ चुकी है, कीमत बहुत बढ़ गई है जो आपको भी मालूम है। तो वैसी स्थिति में जरा जरा सा ज़मीन के टुकड़े के लिए मारामारी हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं जिससे विधि व्यवस्था की समिति यहाँ तक कि हत्या भी हो जाती है, हिंसक झड़पें होती है जिससे विधि व्यवस्था की समस्या बिगड़ती है और हम लोगों को एज SDO विधि व्यवस्था भी रखना पड़ता है। मैं DCLR भी रहा हूँ पहले। तो इसमें मेरा यह कहना है, एक सरकार को मेरा यह सुझाव है कि अगर आवासीय या व्यावसायिक क्षेत्र की जो भी भूमि है उनको जो विक्रेता हैं वो अगर ज़मीन की घेराबंदी करके ज़मीन की पहले नापी करा लें, नापी कराने के बाद उसकी घेराबंदी कर लें, घेराबंदी कराने के उपरांत ही वो खरीदने वाले को बेचें, माने जो विक्रेता है वो क्रेता को तभी बेचें जब वो ज़मीन की घेराबंदी वो कर लें। इससे होगा खरीदने वाले को फ़ायदा ये होगा कि उनको ज़मीन की घेराबंदी के लिए अनावश्यक माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी और जब भी वो खरीदने के बाद ज़मीन की घेराबंदी करने जाते हैं तो अगल बगल के चौहदीदार उनको प्रशान करते हैं, दो हाथ मेरा है, एक हाथ मेरा है, तो नापी कराइए। वो खरीदने वाला बेचारा अगर लोकल है तो किसी तरह मैनेज करता है, अगर बाहर का है तो उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसका ज़मीन आदमी अपना सारा जीवन का कमाई लगा करके एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदता है, उसके बाद वो इस प्रकार के केस मुकदमा ये तो उससे वो उसका मनोबल टूटता है और उसको वह जो है कितना कोर्ट कचहरी में कितना वो दौड़े या क्या करे वो परेशान हो जाता है और अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। इससे मैं अगर ज़मीन की घेराबंदी करके ही ज़मीन शहरी क्षेत्रों में बिक्री हो तो इससे खरीदार बहुत बड़े राहत में पहुंचेंगे, बहुत बड़ी राहत उनको मिलेगी और इससे एक जो नापी विवाद है उससे नापी विवाद से सरकार को मुक्ति मिल जाएगी, जिससे एक भूमि विवाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्वतः भूमि विवाद का जो बहुत बड़ा हिस्सा स्वतः समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और यह कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, सरकार माने बहुत इजीली इसको लागू कर सकती है कि शहरी क्षेत्र की भूमि को घेराबंदी करने के उपरांत ही बेचा जाए ताकि नापी का कोई समस्या इसमें ना रहे, खरीदने वाले को कोई परेशानी ना हो। दूसरा सुझाव मेरा ये है कि हम लोग जो देख रहे हैं कि जैसे लगान रसीद की बात है, अब लगान रसीद में आप देखिएगा, मेरा भी अनुभव है इतना दिन का सरकारी नौकरी का, तो उसमें जमाबंदी का कॉलम है, उसमें रकबा का कॉलम है, लेकिन उसमें खाता खेसरा और चौहद्दी का कॉलम ही नहीं है। खाता खेसरा और चौहद्दी का कॉलम होना लगान रसीद में मस्ट है, उसके बिना ज़मीन की पहचान नहीं हो पाती है, जिसके कारण जब हम लोग केस मुकदमा में भी जब हम लोग यहाँ केस आता है और जब हम लोग फैसला करने बैठते हैं तो लोग कहते हैं हाँ मेरा तो रसीद कटा हुआ है, लेकिन रसीद कटा हुआ है तो पहचान ही नहीं हो पाती है कि उसी विवादित ज़मीन का ये रसीद है।
वो पता ही नहीं चलता है, क्योंकि एक आदमी जो है कई खेसरे का मालिक होता है, और अगर सारा क्यूमुलेटिव खेसरे को मिला करके उसका एक रसीद क्यूमुलेटिव रूप से काट दिया जाता है और लड़ाई किसी पार्टिकुलर खेसरे पर है, तो ये पता ही नहीं चल पाता है कि यह किस खेसरे की रसीद है, जिसके कारण आदेश देने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्लियर कट आदेश लिखने में बहुत मुश्किल होती है। तो अगर एक ये अभी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये एक बहुत ही छोटा इशू है, इसमें आराम से लगान रसीद में संशोधन किया जा सकता है, उसके प्रारूप में को चेंज किया जा सकता है कि उसमें खाता खेसरा और चौहद्दी का कॉलम हो। खाता खेसरा और चौहद्दी का कॉलम होने से फायदा ये हो जाएगा कि सरकार जो चालू खतियान बनाना चाह रही है, और उसमें वो सरकार बहुत पैसा भी खर्चा कर रही है, तो चालू खतियान बनाने में इससे बहुत आसानी हो जाएगी अगर हर लगान रसीद पर हर लगान रसीद पर चौहद्दी का कॉलम अंकित हो जाए और खाता खेसरा अंकित हो जाए। तो यह कर्मचार और साथ ही साथ ये भी कहना है कि हर खेसरे के लिए अलग रसीद कटनी चाहिए, हर खेसरे की रसीद पार्टिकुलर अलग कटनी चाहिए, और वो किस व्यक्ति के नाम से है तो क्लियर हो जाना चाहिए, ताकि आदेश करने में हम लोग को आसानी हो और पब्लिक को भी सुविधा हो, ताकि उसको पता चले कि उसके पास कौन कौन खेसरे का वह मालिक है, किस खेसरे में कितनी कितना रकबा है और उसकी चौहद्दी क्या है। तो जब हम करंट चौहद्दी लिखते हैं इसी तरह रसीद में, जो कि हर साल कटता है, तो हर साल उसकी चौहद्दी भी बदलेगी, चूंकि अगल बगल का जमीन भी बिक सकता है, तो अगर उसकी चौहद्दी हर समय अद्यतन होती चली जाएगी तो हमारा चालू खतियान क्रमशः बनते चला जाएगा और हमको चालू खतियान बनाने में बहुत आसानी होगी, और सरकार के लिए भी एक बहुत राहत की बात होगी कि उनका भूमि विवाद सुलझते चला जाएगा। तीसरा बिंदु यह मेरा कहना है कि जैसे निबंधन, जैसे हम लोग जाते हैं निबंधन में, तो निबंधन कराने जब हम रजिस्ट्री ऑफिस में जाते हैं, तो मेरा अनुभव रहा है, जैसे मैं अवर निबंधक भी रहा हूँ, उसमें जो है अद्यतन लगान रसीद जो है, शायद सरकार का एक नियम भी है कि अद्यतन लगान रसीद लेना है, लेकिन कहीं पर लिया जाता है, कहीं नहीं भी लिया जाता है, ये जो मैंने उसको प्रभावी कार्रवाई उस पर नहीं है। तो उसमें एक अनिवार्य और कठोरता से इसको लागू करना चाहिए कि जैसे ही निबंधन के लिए कोई आते हैं तो वो दस्तावेज तभी स्वीकार किए जाएंगे जब उसमें अद्यतन लगान रसीद उनका मौजूद हो, बेचने वाले का अद्यतन लगान रसीद मौजूद रहने से फायदा ये होगा, और वह लगान रसीद ऐसा होना चाहिए जिसमें खाता खेसरा और चौहद्दी भी मौजूद रहे, ताकि पता चले कि यह इसी आदमी की जमीन है और जो बेचने वाला है उसी का। अगर जैसे मान लीजिए कई तरह के प्रॉब्लम्स हैं, जैसे प्रॉब्लम ये देख लीजिए, मान लीजिए कि आपने एक जमीन खरीदा, तो बाप ने कोई जमीन किसी को बेच दिया, बाप ने किसी को जमीन बेच दिया, और बेटे ने उसी के बेटे ने सेम जमीन किसी और को बेच दिया, अब वो दोनों, ये दोनों बाप बेटा पैसा लेके निकल गए सेम जमीन का, और वो दोनों खरीदार बेचारा आपस में लड़ रहा है, केस मुकदमा कोर्ट कचहरी और ये वो, तो अगर उसमें से जो जाहिर है कोई एक मजबूत होगा कोई कमजोर होगा, ये होगा होगा, तो ये तो वही वाली बात होगी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात होगी, वह दखल कर लेगा नहीं कर लेगा, केस मुकदमा लड़ेगा, हिंसक झड़पें होंगी, ये होगा वो होगा, जिससे भूमि विवाद बढ़ता चला जाता है, लोग मुकदमेबाजी बढ़ती है, विधि व्यवस्था बिगड़ती है, फिर लास्ट में जाकर के फिर हम लोग को इंजान स्पॉट पर जाना पड़ता है, जो कि एक हम लोग भी जाकर के उसको सुलझा नहीं पा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्लियर कट इस संबंध में गाइडलाइंस नहीं है। तो क्यों जब रजिस्ट्री ऑफिस में पब्लिक जो है 8% या 10% शुल्क दे रहा है निबंधन शुल्क, तो सरकार की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि पब्लिक के हितों का ख्याल रखा जाए, तो पब्लिक के हितों का भी ख्याल रखना सरकार की जिम्मेदारी है, और एज अ सरकार में हम के इंक्लूडिंग हम लोग भी आते हैं, और हम लोग भी मतलब बहुत बेबस हो जाते हैं जब लोग सारा जीवन का कमाई जो है एक जमीन के टुकड़े में लगाता है, और इस प्रकार जब वो बेचारा दौड़ता है तो हम लोग को भी अंदर से दुख होता है कि हम लोग जो इनके समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। तो क्यों ना हो कि हम इस बहुत मंथन करने के बाद मैंने ये मतलब निष्कर्ष निकाला है, और आपके माध्यम से मैं बात सरकार के समक्ष भी लाना चाहता हूँ कि बातें छोटी छोटी हैं, लेकिन अगर यह इतना भी कर दिया जाए तो बहुत सारा पब्लिक के समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब रजिस्ट्री ऑफिस में जब इस प्रकार से रजिस्ट्री होने लगेगी, तो निश्चित रूप से वैसे लोग जो जैसे भू माफिया हैं और जो सरकारी जमीन को जो भी खरीद फरोख्त करने में लगे हुए हैं, तो उनके नाम से तो रसीद कटेगा ही नहीं, तो अद्यतन लगान रसीद जब बुलाएंगे तो गैर मजर वहाँ में मालिक जमीन जो बेच करके किसी भी अननोन आदमी जो बेचारा जानकार नहीं है पढ़ा लिखा नहीं है उसको लोग जो सरकारी जमीन बेच कर निकल जाता है, लेकिन जब इस जो बेचने वाले के पास उसका उस जमीन का तो रसीद रहेगा नहीं, क्योंकि पार्टिकुलर खेसरा अगर खतियान में गैर मजर वहाँ है तो या मालिक है तो उसको बेच कैसे पाएगा, क्योंकि उसकी रसीद ही उनके नाम से नहीं कटेगी। तो इस तरह एक बहुत बड़ा चेक लग जाएगा, तो सरकार को भी फायदा है और पब्लिक को भी फायदा है। उसके बाद मेरा ये कहना है कि रसीद जब जिसके नाम से रहेगी अगर, तो फिर बेटा उसके जमीन को नहीं बेच पाएगा सेम जमीन। अब देखिए इसमें बिंदु एक और है, ये हो गया एक बिंदु, एक अलग बिंदु इसमें आता है, इसमें एक अलग बिंदु ये है कि ठीक है मान लीजिए कि बाप जो है
भी जमीन, बाप जमीन बेचना नहीं चाहता लेकिन बेटा जमीन बेचना चाहता है, ठीक है। तो बाप के जमीन, जमीन में पैतृक संपत्ति में बेटा का हिस्सा है, बेटा बालिग है, शादीशुदा है, उसका भी अपना शादीशुदा हो गया है, वो अपना अलग घर बसाना चाहता है। तो अब उसको जमीन बेच के मान लीजिए कुछ पैसे की जरूरत है, तो वो उसके नाम से भी रसीद नहीं कट रही है, लेकिन उसको तो रसीद कटाना है, कटाए जमीन बेचना अगर जरूरी है तो वह एक बंटवारा नामा अपना करा ले, वह बंटवारा नामा करा ले, बंटवारा नामा कराने के उपरांत हर के हिस्से की रसीद कट जाए, और रसीद में पार्टिकुलर बेटा के हिस्सा में जो संपत्ति पड़ा, बेटा का अपना रसीद में खाता खेसरा चौहद्दी के हिसाब से जमीन उसका अंकित हो जाए, बेटा चाहे तो अपना जमीन बेच सकता है। तो इस तरह जब बंटवारा नामा हो जाएगा, लेकिन लोग बंटवारा नामा नहीं करता है, जल्दी नहीं करता है, ऐसे आपसे में कागजी पर कर लिया या कुछ किया नहीं किया। मेरा यह कहना है कि लोग बंटवारा नामा के प्रति जो है जागरूक नहीं है, रजिस्टर्ड बंटवारा के प्रति। तो रजिस्टर्ड बंटवारा के प्रति जागरूक क्यों नहीं है, इसलिए जागरूक नहीं है क्योंकि रजिस्टर्ड बंटवारा नामा का शुल्क ज्यादा है, रजिस्ट्री शुल्क ज्यादा है। तो मेरा सरकार से यह मतलब मेरा अपना यह सुझाव है कि सरकार अगर रजिस्टर्ड बंटवारा नामे को प्रोत्साहित करती है तो उसके लिए उसको जो है उसका जो रजिस्ट्री शुल्क है बहुत ही कम अथवा निःशुल्क कर देना चाहिए, जिससे लोग बंटवारा नामा निबंधित आराम से करा सकें। इससे सरकार को यह फायदा होगा कि बंटवारा नामा कराने के बाद सबके नाम से अलग अलग रसीद कटती चली जाएगी और इस तरह से खतियान जो अद्यतन होते चला जाएगा, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स अद्यतन होते चले जाएंगे, यह सरकार के बहुत, जिसमें सरकार पैसा भी खर्चा कर पा रही है लेकिन सरकार उसको अद्यतन नहीं कर पा रही है। इससे सरकार के पैसा बचेंगे, पैसा बचेगा, उसके लिए जो अलग से पैसा खर्चा हो रहा है वो सब इसी में चला आएगा। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि हमने क्यों ना बंटवारा नामे को प्रकृति सरकार, ताकि वो बंटवारा नामे जैसे जैसे बहुत सारे घरों में देखिएगा कि जो दादा स्वर्गीय हो गए उन्हीं के नाम से रसीद कट रही है, अभी बेटा के नाम से भी रसीद नहीं कट रहा है, यहाँ पोता पैदा हो चुका है वो भी बालिग हो चुका है और दादा के नाम से रसीद कट रहा है, आप लोग भी जानते हैं इस बात को। तो अगर बंटवारा नामा निबंधित और निबंधित के लिए प्रेरित करना है तो सरकार को उसकी दर जो है निबंधन शुल्क कम रखना चाहिए और या निःशुल्क कर दें ताकि सब लोग कटवा लें, सब अपना म्यूटेशन करा लें, अपना अपना रसीद कटा लें, सब पर खाता खेसरा चौहद्दी अलग से अंकित रहे, लोग जिनका रसीद कटे वो अपना जाके जमीन बेचें। ये कोई बहुत बड़ा इशू थोड़ा, इससे एक बहुत बड़ा जो है भूमि विवाद है, इतनी प्रक्रिया से कोई विशेष प्रक्रिया बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से किया जा सकता है और इससे एक बहुत भूमि विवाद में मेजर चेंज भूमि विवाद खत्म हो गया और मेजर क्रांतिकारी चेंज इसमें आने आ सकता है। और यह अपना मैं इतने समय का जो मेरा अनुभव है उसको मिला करके मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं और सरकार को मैं सुझाव दे रहा हूं। एक और सुझाव है, इसके इतर मेरा एक सुझाव है अलग, जो बहुत ही जिससे बहुत ही मेजर सुझाव है, लेकिन उसके लिए सरकार को बहुत ही मतलब कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे, जैसे शराबबंदी का साहसिक निर्णय है। हाँ, वो एक साहसिक निर्णय है, वो इन सभी से अलग हटकर है। उसमें यह है कि काला धन भी, भूमि में जो सन्निहित काला धन है वो भी स्वतः समाप्त हो जाएगा। सरकार अगर चाहती है तो शराबबंदी की तरह कठोर निर्णय ले सकती है कि जो जमीन आपके पास है अगर आपको बेचना हो तो सरकार को बेचिए, और जमीन आपको जिनको खरीदना हो वो सरकार से खरीदे। इससे स्वतः काला धन, भूमि में सन्निहित काला धन समाप्त हो जाएगा, और जो सरकारी जमीन की खरीद फरोख्त है स्वतः समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जमीन वो सरकार को, सरकारी जमीन कैसे बेच पाएंगे, सरकार तो जांच पड़ताल के बाद खरीदेगी, आप प्लस जमीन जिनको बेचना है वो भी अगर सरकार को बेचेंगे तो जमीन का जो रेट है उसी हिसाब से उनको पैसा मिलेगा। तो इसमें तो काला धन का समस्याएं खत्म, जिनको खरीदना वो सरकार से खरीदे तो पूरी पारदर्शिता रहेगी। ये कोई निर्णय भी अगर सरकार चाहे तो अगर कठोरता से साहसिक निर्णय के तौर पर इसको लेना चाहें तो ये भी निर्णय लिया जा सकता है। धन्यवाद।